सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे, तभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है सैटरडे, मैंने पूजा नहीं किया अभी तक, नाथ के होगा और बाकी पूजा रूम भी क्लीन कर दिया, बर्तन मतलब भगवान का जितना भी बर्तन है वो भी सब क्लीन कर दिया, गुप्पल को भी उठा दिया। तो हस्बैंड पूजा देगा क्योंकि कल रात में फूल लेके नहीं आया, और वो जो लड़का गया गाँव में अभी तक आया नहीं फूल वाला, तो हस्बैंड अभी जाएगा फूल लेकर आएगा, फिर वही पूजा करेगा। और मैं सब कुछ रेडी करके दिया, वो आके से पूजा कर देगा। और मैं इधर बेड वेड भी ठीक कर लिया, क्लीन कर लिया, और हमेशा उठ के गए सोफे पे, उधर जाके सो रही है। तो दिखाती हूँ, देखो इधर आके सो गए, और माम भी पी रही है, माम फिनिश हो गया फिर भी ऐसे लग के सोया, और एक जन इधर सोया है। ब्रेकफास्ट अभी भी बनाया नहीं और किया भी नहीं कुछ, तो अभी ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ। और ये साइड राइस बिठा दिया, आप भी जस्ट बिठा है, क्योंकि हस्बैंड का 4 बजे मीटिंग है, तो उनको जाना है, तो लंच करके ही जाएगा, इसलिए फटक से राइस बिठा दिया। तो राइस हो रहा है एक साइड, और थोड़ा सा दूध था तो दूध भी बॉयल कर लिया, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, अभी इतना जो गर्मी पड़ रहा है। तो अभी जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर देखती हूँ सब्जी क्या बनाऊंगी। राइस तो बिठा दे ऑलरेडी, सब्जी भी बनाऊंगी। कल हस्बैंड पालक, लाल पत्ता साग ये सब लेके आया, तो उसमें से कोई एक बनाऊंगी, और सोयाबीन देखती हूँ सोयाबीन बनाऊंगी। तो यही है प्लान, अभी देखती हूँ क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। तो चलो मम्मा उठ जाओ, मम्मा मम्मा उठ जाओ, पीछे मम्मा उठ जाओ, मम्मा ओ मम्मा उठ जाओ, मम्मा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गया और बैठ तो चलो फिर बाद में बात करती हूँ। तो इधर हस्बैंड दे रहा है पूजा, और कृषा भी नहा ली उठ के, उसको भी नीला दिया, हस्बैंड फूल लेने गया था उस टाइम, तो अभी दोनों मिलके पूजा दे रहे हैं। और इधर है टिट्टू जो केक साइड में बैठा है, और मैं साइड में राइस तो बन चुका है वो भी कर दिया, और अभी ये भी निकल के रखा, ये जो साग ये बनाऊंगी आज, और लहसुन भी पानी में भिगो के रखा क्योंकि लहसुन लगता है बहुत ज़्यादा, तो लहसुन ज़्यादा देंगे तो टेस्ट ज़्यादा आता है, तो इसलिए तो इधर भिगो के रखा, तो छीलने में इजी होता है। तो आज का मेनू है राइस और सोयाबीन आलू का सब्जी और साग भाजा, तो यही है आज का मेनू। तो चलो अभी फटाफट खाना बना ले, तो हस्बैंड जाएगा फिर काम पे। तो गाइस, मैं किचन में खाना बिठा के आई हूँ, तो अभी जा रही हूँ, सोयाबीन बॉयल हो गया, तो अभी जा के बाकी का जो उतना भी प्रोसेस है वो करके खाना रेडी कर देती हूँ। सो दोपहर में खाना बिना खाने के बाद बर्तन धो लिया, क्योंकि आज दीदी नहीं आया, सुबह भी नहीं आया था, सुबह भी झाड़ू पोछा मैंने किया था, और खाना खाने के बाद ही बर्तन धो लिया क्योंकि शाम को फिर उठ के मन नहीं होगा, तो इधर बर्तन धो लिया, सब पोछ पछ के हो गया, इधर पूरा क्लीन कर लिया। तो अभी झाड़ू रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि सुबह भी झाड़ू पोछा किया, अभी बर्तन धो रहा है, पूरा बैक पेन हो रहा है, और घर फैला हुआ है, लेकिन अभी नहीं कुछ करूँगी, अभी थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, फिर शाम को उठ के घर भी ठीक ठाक करना है, क्लीन करना है, झाड़ू तो लगाती हूँ हर दिन। तो ये देखिए घर का हालत ऐसा, इधर टॉवल है, वाटर बॉटल, कृषा का डॉल, कार, टेबल का हालत भी ऐसा है, तो भी मुझे क्लीन करना है। इधर कृषा का पीलो, टॉवल सब ऐसा है, ये सब क्लीन करने के बाद फिर इतना सारा कपड़ा है, सब फोल्ड भी करना है, फिर कपड़ा भी डालना है सूखने के लिए। तो यही है, बैक टू बैक बहुत काम है, तो अभी थोड़ा रेस्ट ले लेते, तो फिर शाम को उठ के काम भी करूँगी, उसके बाद फिर दिया लगाऊँगी। तो चलो अभी थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, और तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ मीटिंग में, फिलहाल मैं रास्ते में हूँ, रिक्शा में जा रहा हूँ,
और मेरे को आज जाना है सारा स्टार, जो कि एक 7-स्टार होटल है एयरपोर्ट के सामने। और ये देखिए सारा स्टार होटल का आउटलुक, ये बाहर से ऐसा दिखता है। और ऑपोजिट साइड है ना आपका एयरपोर्ट का ही है, और सामने जो दिख रहा है ना बिल्डिंग वो है ताज होटल। वो राइट साइड में जो दिख रहा है झाड़ के पीछे वो ताज होटल है। और ये आपको एयरपोर्ट का लुकिंग टावर, और ये गेट है सारा स्टार का, ये गेट है। इधर से ही मैं अंदर एंट्री करने वाला हूँ। ये देखिए पूरा गेट का नज़रिया, देखिए पूरा बाहर का मेन गेट है ये। चलिए अंदर का पूरा व्यू और नज़रिया दिखाता हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो शाम का दिया लगा के हो गया और अभी कृषा खा रही है खाकरा, उसको बहुत पसंद है खाकरा तो खा रही है, और मेरा दिया भी लगा के हो गया। तो ये देखो दिया लगा के हो गया, बहुत टाइम हो गया। और कृषा भी खा रही है और कार्टून दिख रही है, और हस्बैंड तो अभी इतना खाया नहीं, मतलब फ़ोन किया था तो अभी भी टाइम लगेगा उन खाने को, और चाय भी बनाया नहीं आएगा तो एक साथ ही खाऊँगी। और रात में डिनर बनाने का भी कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि हाँ वो सोयाबीन का सब्जी बना हुआ है, सिर्फ रोटी बनाऊंगी तो हो जाएगा रात का डिनर, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है। तो चलो अभी थोड़ा टाइम बैठ तो मेरे मम्मा के पास, और उसको पढ़ाई करके भी हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा वो डांस किया, डांस करने के बाद फिर अभी कार्टून देख रही है और खा रही है। मैं भी बैलकनी वगैरह धोया था शाम को, धोने के बाद फिर नहा के फिर दिया लगा। तो इधर शहर खाना खा के आ गया, आके इधर रिलैक्स से बैठा है और हम लोग देख रहे खाना कृषा के साथ साथ बैठ के। और इधर है कृषा और हस्बैंड, ये देखो हम लोग अभी मस्ती कर रहे हैं। और मैं उधर रोटी भी बना लिया और कृषा का दूध भी बॉईल कर लिया, तो अभी जा रोटी ना करने के लिए। और दोपहर का सब्जी है सोयाबीन आलू का सब्जी, तो उसके साथ ही खा लूंगी आज। ये देखो बच्चा, छोटा वाला बच्चा चुट्टी का पहन लिया। जय माता रानी।